स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए स्वच्छता की उनकी पसंदगी की चर्चा की थी। गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्ले, स्कूल, अस्पताल आदि सभी जगहों पर गंदगी को दूर करने के गांधी जी के सपने को वर्ष 2019 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे देश में निर्मल भारत अभियान को चलाया गया है, जो जोर शोर से चल भी रहा है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांव-गांव में शौचालयों के निर्माण में तेजी आ रही है। देश और प्रदेश के गांवों और शहरों में जहां सोच वहां शौचालय के तहत काफी तादाद में नए शौचालय बनाए गए हैं और इनका निर्माण कार्य निरंतर जारी है। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंख तो लगा दिए हैं, जिससे इसकी रफ्तार में तेजी आई है। पर क्या सिर्फ शौचालय बना देने से भारत स्वच्छ और निर्मल हो पाएगा? अब भी ट्रेन का सफर करने के दौरान लोग रेलवे ट्रैक को शौचालय बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। शौचालयों को साफ रखने की समस्या पूरे देश में है। राजस्थान की ही बात लें तो ये ऐसा प्रदेश है जहां पानी की कमी है। यहां के गांवों की महिलाएं दूर दराज से पानी लेकर आती हैं, जो सिर्फ पीने भर के लिए काफी हो पाता है। अब ऐसे में शौचालयों के सफल होने पर संदेह होना लाजमी है, क्योंकि सच यही है कि गांवों में शौचालय तो बना दिए गए हैं, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से गांवों में शौचालय धूल खा रहे हैं। गांवों में शौचालयों के इस्तेमाल नहीं होने की समस्या को दूर करने के लिए एक सोच को साकार किया है जयपुर के स्ट्रक्चरल इंजीनियर दीपक सोगानी ने। दीपक सोगानी NMRD लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं और इनकी ये कंपनी बड़ी बड़ी इमारतों के नए नए और बिरले स्वरूप सफलता से बनाने में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का सत्संग भवन इसी कंपनी का एक बेमिसाल नमूना है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बिना खंभों के सहारे इतने बड़े भवन का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ इसी तरह के नवाचार करने के लिए इनकी कंपनी का नाम अब बड़ा बन चुका है। इस बार भी NMRD कंपनी ने समाज हित के लिए कुछ ऐसा ही नवाचार किया है, जिसे यदि पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो ये एक रिकॉर्ड बन सकता है। कंपनी ने ऐसे टॉयलेट का निर्माण किया है जो गांवों में टॉयलेट के लिए पानी की समस्या को दूर कर देगा। इनका ये तकनीकी टॉयलेट बड़े काम का है। छोटी सी जगह में और कम लागत में इसे बनाया जा सकता है। प्रीकास्ट तकनीक से बनाई गई कॉन्क्रीट की दीवारें काफी मजबूत हैं, जिसे नुकसान पहुंचाना भी आसान नहीं है। गांव में सार्वजनिक तौर पर लगाई गई कोई भी चीज सुरक्षित तो रहती नहीं है, क्योंकि असामाजिक तत्व उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इस टॉयलेट में भी ऐसी कोई चीज नहीं लगाई गई है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके। छत पर प्लास्टिक शीट से काम चलाया जा सकता है, दरवाजों की जगह पर्दा टांग कर काम में लिया जा सकता है, और नल की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गांव में पानी की पाइपलाइन तो होती नहीं है कि टॉयलेट में नल लगाया जाए। इसकी सबसे मजेदार और इसे सबसे अलग बनाने वाली बात यह है कि इसके एक ओर बने बाथरूम में जब कोई नहाएगा तो उसका पानी व्यर्थ नहीं बहेगा, बल्कि वो पानी बाथरूम के ठीक दूसरी ओर बने टॉयलेट में चला जाएगा और टॉयलेट साफ हो जाएगा। इससे टॉयलेट में बार बार पानी डालने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नहाने के बाद के पानी का सही इस्तेमाल इस तकनीकी टॉयलेट के जरिए हो सकता है। इसकी लागत सिर्फ 10,000 रुपए है और बनाने में मात्र 3 दिन का समय लगेगा। इसमें यूरोपियन सीट भी लगाई जा सकती है। इसे गांव में जहां कहीं भी जल स्रोत हो वहीं इसका निर्माण करवाया जा सकता है। अब पानी की कमी के चलते गांव में जहां भी टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां इस तकनीक को काम में लिया जा सकता है और देश को सही मायने में निर्मल भारत बनाया जा सकता है।